जंग से ना, ये क्या गेम है। एक तरफ था कि प्रिगोजिन पुतिन का तख्ता पलट करना चाहता है, अब तो ये खबर आ रही है ब्रिटिश खुफिया एजेंसी कह रही है कि नहीं भाई, वो तो ज़ेलेंस्की की गद्दी पर बैठना चाहता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए गौरव, जो भी खिचड़ी पक रही हो इसके बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी चीजें आप इसको रीड कर सकते हैं कि देखिए प्रिगोजिन का जिस तरह से यूज हुआ और यूज एक बहुत अहम जगह हुआ जैसे सोलेडायर एंड बाखमुत के बाद, और वहां पर रशियन सेना को नहीं भेजा गया, उनको एक चैलेंज दिया गया कि आप ये करके दिखाओ और उन्होंने किया। मगर एक ये भी खबर आ रही थी कि शायद वो डबल क्रॉस भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ उनके लड़ाकों को, क्यों, आपकी एम्बिशंस बढ़ जाती है, और जिस तरह से अमेरिकन का ये भी पता था कि किस तरह वो मार्च करेंगे, जो उन्होंने म्यूटनी, सो कॉल्ड म्यूटनी हुई है, क्या ये एक ड्रामा था रशिया का। मगर अमेरिका को पल पल की चीजें पता थी और उनको भी ऐसा हुआ है। देखिए जो भी हो, मगर दूसरा जो आप बता रहे हैं ये स्क्रिप्टेड टोटल रशिया के सब, मगर जो भी हुआ उसकी अपॉर्चुनिटी का वो पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में ये भी खबर आ रही है कि प्रिगोजिन के जितने भी उनके टीम उनके ये हैं जो आप कहिए उनकी बेटियां हैं, उनके घर पे, उनके स्टेप फादर के घर पे भी, इसके पहले जो एफएसबी की रेड हुई थी उसके बाद, तो उनके ऊपर बहुत दबाव भी है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा जल्द से ना, जो आप बात कह रहे हैं कि किस तरह से इसको समझा जाए, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और यह भी कहीं ना कहीं वेस्ट की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी जल्दी से दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए बेलारूस से पश्चिम की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बेलारूस मिलिट्री बेस के पास नए कंस्ट्रक्शन की खबर है। वैगनर लड़ाकों के लिए कंस्ट्रक्शन की आशंका जताई जा रही है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसके जरिए उसने ये खुलासा किया है। तो वैगनर चीफ पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपने देखा है, उस पर हम अपने मेहमानों से, अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लिए किस तरह से बेस बनाने की तैयारी चल रही है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, दिखाइए पीसीआर, ये देखिए रूस, यूक्रेन, बेलारूस। अब इसको जरा आराम से समझिएगा, बड़े अच्छे से मैं आपको समझाता हूं है क्या ये। देखिए अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है बेलारूस के ओसी पोविची में वैगनर लड़ाकों के लिए। यह है ओसी पोविची बेलारूस का, जहां वैगनर लड़ाकों के लिए एक नया सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है, जो अगर दूरी की बात करें तो बेलारूस की राजधानी मिंस्क की बात करें तो यह बेलारूस की राजधानी मिंस्क से 130 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस इलाके से कौन कौन से देश वैगनर के रडार पर आते हैं ये देखिए। यहां से अगर लातविया की बात करें जो नेटो कंट्री है, 198 यानी लगभग 200 किलोमीटर। अगर लिथुआनिया की बात करें तो ये केवल 104 किलोमीटर है, यानी इन दोनों देशों पे खतरा तो बहुत ज्यादा है। अगर आइए हम बात पोलैंड की करें, वो जो ओसो पोविची जहां पर वैगनर लड़ाकों का नया बेस बनाया जा रहा है तो वो है 286 किलोमीटर दूर पोलैंड। और अगर बात करें कीव की तो कीव 400 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है यहां, जहां पर वैगनर ग्रुप का ये पूरा कब्जा होगा। ये जो सैटेलाइट इमेज जो ये पूरी जिस ठिकाने की न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है, सवाल ये है कि ये क्या बहुत सोच समझ के उठाया गया कदम है प्रोफेसर अमिताभ सिंह की बेलारूस वैगनर को कैसे शिफ्ट करें। पहले एक एपिसोड हुआ जिसमें प्रिगोजिन को रूस से निकाला गया और अब जो उनके लिए सेंटर बनाया जा रहा है बेलारूस में वो लातविया, लिथुआनिया, नेटो कंट्रीज, पोलैंड के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दो चीज, पहली चीज कि वैगनर ग्रुप ने सोलेदार और बाखमूत में विजय दिलाई थी। वैगनर ग्रुप के येवगेनी प्रिगोजिन को ये लगता था कि शायद बाखमूत और सोलेदार की जिम्मेवारी या उनका गवर्नरशिप उनको दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत खदान है, बहुत भंडार है अन्य नेचुरल रिसोर्सेज के। एक तो वो था जो उनको नहीं मिला, उनको शायद लग रहा था जिस तरह रमजान कादिरोव या उनके पिता को चेचनिया की बागडोर संभालने के लिए दी गई थी उसी तरह इनको भी दी जाएगी। दूसरी बात बेलारूस वाली बिल्कुल सही है, क्योंकि पोलैंड ने अभी ये डिमांड किया है कि हमारी सिक्योरिटी जो ईस्टर्न फ्रंट पे है, जो उसकी बॉर्डर मिलते हैं बेलारूस से, वहां सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बेलारूस में स्टेशन है और ये शांत नहीं बैठेगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैगनर ग्रुप का, वो है उनका टेक्निकल सर्वेलेंस या टेक्निकल कंट्रोल, जो मिलिट्री टेक्निकल रिस्पांस पुतिन कहते थे। मिलिट्री रिस्पांस तो उनका था ही, टेक्निकल रिस्पांस सारा वैगनर ग्रुप पे डिपेंडेंट था। तो अब वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह पूरे ईस्टर्न यूरोप में, खासकर पोलैंड या जितने भी बॉर्डर्स आपने दिखाए उनसे लगते हुए सीमाओं पर वो अपना टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ाएं और
इस तरह से मजबूत करें कि रूस को जरूरत पड़ी तो पोलैंड पर भी अटैक करने, क्योंकि नहीं, लेकिन एक रूस का बहुत वल्नरेबल पार्ट। ये तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। बेलारूस की धरती से कीव पर अभी तो अटैक रशियन आर्मी कर रही है। वैगनर ग्रुप अगर आता है तो ये पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया जो नेटो कंट्रीज है, निनाद सेठ, इनके लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा बेलारूस के लिए ज्यादा है। हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि नेटो का कोई नो फर्स्ट यूज नहीं है। हाँ। नेटो इंतजार नहीं करेगी कि उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो। हाँ। नेटो को हल्के में ले रहे हैं। जब ये इतनी बड़ी आर्मी रशिया की 1.5 साल तक यूक्रेन को नहीं हरा पाई, तो अगर नेटो आ जाता है प्ले में तो क्या होगा? क्योंकि आपने जो बॉर्डर दिखाए उसमें साफ है कि बेलारूस चारों तरफ से घिरा हुआ है नेटो से, और नेटो इंतजार नहीं करेगी थ्रेट का। तो मेरे को लगता है कि एक ओवर प्लेइंग ऑफ हैंड हो रहा है, गलती कर रही है रशिया, वैगनर ग्रुप सब। क्योंकि नेटो, तो हमने देखा है नेटो के सिर्फ वेपन्स और टेक्निकल ट्रेनिंग से 1.5 साल तक वॉर खींच गया है। अगर नेटो खुद ही वॉर में आ जाती है तो रशिया की क्या हालत होगी, ये पुतिन जानते हैं। नहीं, मेरे को लगता है एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश है, पर ये कामयाब नहीं होगा। आप कह रहे हैं नया फ्रंट तो खुल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन वो कामयाब होगा कि नहीं कहना मुश्किल।